देखिए हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है, लोमहर्षक हृदय विदारक घटना है और हृदय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। तो यूं तो उस पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार के बड़े हाथ हैं। सरकार के अंडर में जिला प्रशासन होता है, सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन होता है, सरकार के अधीन SDM होता है, LIO होता है। और जब इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर डेट पर कार्यक्रम हो रहा है, होना है, तो उसके लिए सफिशिएंट व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर मान लो कहते हैं भीड़ ज्यादा आ गई, तो भाई भीड़ जब आ गई जितना कहा उससे ज्यादा, तो बैरियर लगा जाना चाहिए था, एंट्री बैन कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दुखद घटना के लिए। सर, राहुल गांधी कल गए थे, पीड़ितों से मिले, उन्होंने मुआवजे पे सवाल उठाया है, सदन में नेता प्रतिपक्ष है, आपकी क्या राय है? ठीक है, हमारे नेता भी बराबर कह रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय राहुल जी को आपने उद्धृत किया है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। और जो सरकार की तरफ से मुआवजा घोषित किया गया है, अरे भाई यो तो किसी की जिंदगी की कीमत पेंशन नहीं तोड़ी जाती, लेकिन जो भी इन्होंने अनाउंस किया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। एटलीस्ट कम से कम 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, वैसे आदमी की मौत की कीमत रुपए से नहीं आकी जा सकती। सर, बसपा सुप्रीमो का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा है पाखंडी बाबाओं से दूरी बनाए। आई हैव नथिंग टू से अबाउट बहन मायावती जी। देखिए हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है, लोमहर्षक हृदय विदारक घटना है और हृदय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। तो यूं तो उस पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है और सरकार के बड़े हाथ हैं। सरकार के अंडर में जिला प्रशासन होता है, सरकार के अंडर में पुलिस प्रशासन होता है, सरकार के अधीन SDM होता है, LIO होता है। और जब इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर डेट पर कार्यक्रम हो रहा है, होना है, तो उसके लिए सफिशिएंट व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर मान लो कहते हैं भीड़ ज्यादा आ गई, तो भाई भीड़ जब आ गई जितना कहा उससे ज्यादा, तो बैरियर लगा जाना चाहिए था, एंट्री बैन कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से 100% गवर्नमेंट इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दुखद घटना के लिए। सर, राहुल गांधी कल गए थे, पीड़ितों से मिले, उन्होंने मुआवजे पे सवाल उठाया है, सदन में नेता प्रतिपक्ष है, आपकी क्या राय है? ठीक है, हमारे नेता भी बराबर कह रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा आदरणीय राहुल जी को आपने उद्धृत किया है, तो मुआवजा मिलना चाहिए। और जो सरकार की तरफ से मुआवजा घोषित किया गया है, अरे भाई यो तो किसी की जिंदगी की कीमत पेंशन नहीं तोड़ी जाती, लेकिन जो भी इन्होंने अनाउंस किया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। एटलीस्ट कम से कम 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, वैसे आदमी की मौत की कीमत रुपए से नहीं आकी जा सकती। सर, बसपा सुप्रीमो का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा है पाखंडी बाबाओं से दूरी बनाए। आई हैव नथिंग टू से अबाउट बहन मायावती जी।